अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशु स्विंग आर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से एक बहुत ही प्यारी सी और ब्यूटीफुल सी फ्रॉक की डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट और आसान तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, तो इसकी फुल जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग की तरफ। इस फ्रॉक को बनाने के लिए हमने 2.25 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। तो पहले टॉप पार्ट की मेज़रमेंट करेंगे। तो ये हमने टॉप पार्ट के लिए कपड़ा लिया है और ये इसकी विथ है टॉप की और टॉप की लेंथ है ये। अब हम इसकी मेज़रमेंट करेंगे। तो ये लगभग 22 से 23 इंच चौड़ा कपड़ा है, तो 16 इंच की हमें टॉप रेडी चाहिए। तो हम इसमें इसको हम गैदरिंग वाली बनाने वाले हैं, तो 2 इंच हम स्टिचिंग का लेंगे और 4 इंच हम एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लेंगे। तो अब हम नीचे से 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए मार्जिन छोड़ेंगे, ऊपर से 1 इंच हम फोल्डिंग के लिए छोड़ेंगे और इसके लिए ऊपर से 4 इंच लंबी हम बनाएंगे। तो अब पूरी 15 इंच इसकी मेज़रमेंट आ रही है और 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे और फिर इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब ये हमारे टॉप के लिए कपड़ा रेडी हो गया। अब हम स्लीव्स के लिए कपड़ा रेडी करेंगे। तो ये स्लीव्स के लिए हमने कपड़ा लिया, इसकी लेंथ है और ये इसकी विथ है। तो लेंथ लगभग इसकी 22 से 23 इंच लेने वाले हैं और फिर इसकी विथ है जो 20 इंच, तो इसको भी हम 20 से डिवाइड कर लेंगे। अब ये स्लीव्स के लिए 2 पीस कपड़ा हो गया है। अब इसको फिर से 4 फोल्ड कर लेंगे और अब इसको 4 फोल्ड कर लेने के बाद एक बार फिर से इसकी मेज़रमेंट करेंगे। तो 25 इंच इसकी लेंथ है और यहाँ से हम चेक करेंगे तो 11 इंच इसकी विथ है। तो अब हम स्लीव्स के कपड़े को साइड में करेंगे और ये हमारा टॉप पार्ट का जो कपड़ा है इसको हम पहले रखेंगे और एक बार फिर से इसकी भी मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/2 इंच हम स्टिचिंग का छोड़ेंगे और ऊपर से 1 इंच हम फोल्डिंग के लिए छोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे इलास्टिक ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा 11 इंच और फिर ऊपर से हमें 4 इंच स्लीव्स के लिए ऐड करना है। तो इसका मतलब टॉप पार्ट की पूरी लेंथ 15 इंच की होने वाली है। तो 15 इंच की टॉप हमें रेडी चाहिए। अब टॉप पार्ट के ऊपर हमें स्लीव्स वाला कपड़ा इस तरह से अच्छे से सेट करना है और फोल्डेड साइड हमारी अपनी साइड है और किनारे वाली साइड से हमें आर्म होल के लिए मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर 4 इंच पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से 1 इंच पे हम इस तरह से सीधा मार्क करेंगे और यहाँ से 4 इंच पे मार्क करेंगे और अब इस तरह से इंच टेप को मेज़र करेंगे। तो 8 इंच यहाँ से हमारी आर्म होल लेंथ आ रही है। अब यहाँ से आर्म राउंड का भी शेप कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारे आर्म होल की कटिंग हो गई। अब यहाँ से जो 1 इंच पर हमने सीधा मार्क किया था वहाँ से एक छोटा कट लगाएंगे और साइड से इस तरह से 1 इंच डीप करते हुए कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद अब हम स्लीव्स पे यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। हमें स्लीव्स 3 इंच फोल्ड करके उसमें इलास्टिक थ्रेड से स्टिचिंग करना है, तो इसके लिए हम मार्क कर लेंगे। और अब ये इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है और अब हमें अपने ये आर्म होल वाले पार्ट को ज्वाइन करना है चारों साइड से। तो अब हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमने ले लिया है इस तरह से, कपड़े के पन्ने से हमने इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से कपड़े को कट कर लिया है। अब इसकी लेंथ है 20 इंच और अब इसकी विथ की मेज़रमेंट करेंगे। तो इस तरह से हम चेक करते हैं तो ये 28 इंच आ रही है, मतलब डबल फोल्ड के, मतलब ये डबल फोल्ड कपड़ा है तो इसका डबल इसकी चौड़ाई होगी। स्कर्ट पार्ट के नीचे वाले पोर्शन में हम 10 इंच चौड़ी फ्रिल ऐड करेंगे और ये हमारी फ्रिल है 10 इंच चौड़ी और 3 से 4 इंच चौड़ी इस तरह की भी फ्रिल एक और इसमें हम एडजस्ट करेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो 8 इंच लंबी इस तरह की एक इलास्टिक कट करेंगे, 8 इंच की 2 इलास्टिक हम कट करेंगे। ये इलास्टिक हम नेक में अटैच करेंगे, ये दोनों इलास्टिक हम नेक के फ्रंट और बैक दोनों पैनल में अटैच करेंगे और 8.5 इंच लंबी एक और इलास्टिक कट करेंगे और सेम इसी साइज के एक और इलास्टिक कट करेंगे। ये दोनों इलास्टिक हम स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो 8 इंच वाली इलास्टिक हम नेक में अटैच करेंगे और 8.5 वाली स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो इलास्टिक को इस तरह सिंगल फोल्ड करते हुए पहले एक बार स्टिचिंग कर लेंगे। ये हमारा टॉप पार्ट है। अब हम सेकंड पैनल भी इस तरह से सिंगल फोल्डिंग करते हुए इलास्टिक को हल्के हल्के खींच के स्टिच करेंगे। अब इसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा से फिर से इलास्टिक को इस तरह से खींच के स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरह डबल फोल्ड करके दोनों नेक की स्टिचिंग कर लेंगे।
फ्रंट और बैक दोनों में हमने इलास्टिक अटैच कर ली है। ये आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों नेक में हमने इलास्टिक ऐड कर ली है। अब ये रही हमारी स्लीव्स, तो स्लीव्स में भी सेम इसी तरह से हम इलास्टिक अटैच करेंगे। पहले सिंगल फोल्ड करके एक बार स्टिचिंग करेंगे, फिर उसके बाद डबल फोल्ड करके फिर से स्टिचिंग करके इसको रेडी करेंगे। अब ये डबल फोल्ड करके हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हमारी ये स्लीव्स है, स्लीव्स में इलास्टिक अटैच हो गई है। अब स्लीव्स का जो हमारा मोरी वाला पार्ट है ये आप देख सकते हैं, इसमें हमें इलास्टिक थ्रेड से स्टिचिंग करना है। तो हमने जो कट लगाया था उसी कट के पास से हम इसको एक बार पहले फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड मतलब कि फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और दूसरी वाली स्लीव्स में भी इसी तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और स्टिचिंग करके बिल्कुल बराबर बराबर इसको आयरन से एक बार सेट कर लेंगे। और इसमें गैदरिंग करके इसको बहुत ही खूबसूरत सा लुक देंगे। तो ये हमने अपनी बाइबल में इलास्टिक थ्रेड भर लिया है। जब हम थ्रेड को भरेंगे तो इसमें टाइट टाइट खींच के भरेंगे। अब हम यहाँ से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। चार से पांच बार इस पे इलास्टिक थ्रेड से हम स्टिचिंग करेंगे और हमें ये स्टिचिंग बिल्कुल स्ट्रेट करना है। और अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हुई तो इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसको अच्छा लुक देने के लिए हमें बहुत ही ध्यान से और स्ट्रेट स्टिचिंग करना है। अब आप देख सकते हैं हमने दोनों स्लीव्स को बना के रेडी कर लिया है। और अब एक बार फिर से हम अपने टॉप पार्ट के नेक वाला जो पोर्शन है उसका उसकी मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये 8.5-8 इंच चौड़ी है, दोनों को हम बराबर बराबर मेज़र कर लेंगे, चेक कर लेंगे। और ये हमारी स्लीव्स है तो स्लीव्स को भी हम चेक कर लेंगे क्योंकि 0.5-0.5 इंच हमें स्टिचिंग में देना है। तो एक बार फिर से इसको हम चेक कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स है और दोनों को हमें बराबरी में चेक करना है, फ्रंट और बैक को। अब यहाँ से हम टॉप पार्ट और स्लीव्स दोनों को आर्म होल के पास से यहाँ से हम जॉइंट करेंगे। तो दोनों पैनल को बिल्कुल बराबरी में रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो 0.5-0.5 इंच यहाँ से स्टिचिंग का मार्जिन लेकर ही स्टिचिंग करेंगे। और अब हमने एक साइड को स्टिच करके ज्वाइन कर लिया है, इसी तरह हम दूसरी साइड भी स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। दूसरी साइड भी हमारी ज्वाइंट हो गई है। अब हम बैक वाले पोर्शन को, बैक वाला जो हमारा टॉप पार्ट है उसको इस तरह से दोनों साइड स्लीव्स में फिर से ज्वाइन कर लेंगे। अब हमारा चारों कॉर्नर ज्वाइंट हो गया है और ये देख सकते हैं आप हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। और आप स्लीव से लेकर टॉप पार्ट के साइड वाले पोर्शन को स्टिच करके बंद कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने साइड साइड को स्टिच करके बंद कर लिया है। अब इसके बाद हम इस कट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। और इस कट पार्ट के एक साइड को हमने 3-3 इंच पे आयरन करके सेट कर लिया। अब इस पे एक स्टिचिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम इस पर इलास्टिक थ्रेड से गैदरिंग करेंगे। तो अब हमने बाइबिन में अपने इलास्टिक थ्रेड डाल दिया और किनारे से एक पैर की जगह छोड़ के हम इस पर बिल्कुल बराबर स्टिचिंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारी स्टिचिंग हो गई है और लगभग हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही इसकी चौड़ाई आई है। अब हम इस पर दूसरी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हमने इस पर 4 से 5 बार स्टिचिंग कर ली। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको चौड़ा और पतला भी कर सकते हैं। और अब हमें नीचे में फ्रिल को ऐड करना है तो पहले हम फ्रिल पे गैदरिंग करेंगे। तो अब हम नीचे से अपना इलास्टिक वाला थ्रेड हटा देंगे और गैदरिंग वाला फूट इस पर लगाएंगे और सिर्फ सिलाई से इस पर गैदरिंग करेंगे।
तो आप देख सकते हैं गैदरिंग फुट लगा लेने के बाद कितनी अच्छी तरीके से इसमें गैदरिंग आ रही है और बिल्कुल बराबर आ रही है। और इस छोटी पट्टी पे भी गैदरिंग करेंगे, लेकिन ये गैदरिंग हम थोड़ा गहरी करेंगे, मतलब अपनी स्टिचिंग को और बड़ा कर लेंगे तो ये गहरी गैदरिंग हो जाएगी। अब दोनों को एक बार यहाँ पर बराबर बराबर रखेंगे और ऊपर से अपना स्कर्ट वाला कपड़ा इस तरह से रखेंगे और इसको दबा करके स्टिचिंग करेंगे। अब तीनों लेयर को हम साथ में लेकर के स्टिचिंग करेंगे, लेकिन हमें इसको बिल्कुल बराबर बराबर सेट करके और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्टिचिंग करना है। तो इस दोनों फ्रिल को हम साथ में अटैच कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी ये दोनों फ्रिल अटैच हो गई है। अब ऊपर से एक स्टिचिंग करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से ऊपर से स्टिचिंग करके इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग से बैठा लेंगे और जो एक साइड से हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है उसको कट करके अलग कर देंगे। अब साइड से दोनों कपड़े को बराबर बराबर रखेंगे और साइड से स्टिच करके बंद कर देंगे। ये हमारा जो जॉइंट वाला पोर्शन रहेगा इसको हम अपने टॉप पार्ट के बैक में लेकर जाएंगे और टॉप पार्ट का बैक वाला जो सेंटर पोर्शन रहेगा वहाँ पर हम इसको फिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल स्कर्ट के शेप में हमारी ये घेर बन के रेडी हो गई है। ये हमारे फ्रॉक का नीचे वाला जो स्कर्ट पार्ट वाला पोर्शन है ये बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको अपने टॉप में अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को इस तरह फोल्ड फोल्ड करेंगे और बीच में सेंटर पे एक मार्क लगाएंगे और बैक के सेंटर पे भी एक मार्क करेंगे और अपने स्कर्ट पार्ट को जो ये हमारा सेंटर वाला पोर्शन है इसको तो हमें बैक में करना है। अब इसको बराबर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फ्रंट के सेंटर पे भी मार्क करेंगे। फिर से इसको एक बार फोर फोल्ड करेंगे और दोनों साइड में जो हमारा फिक्स होने वाला है स्कर्ट पार्ट का पोर्शन उसके साइड साइड में भी मार्क कर लेंगे। और अब हमें इसको अटैच करना है, तो ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना है कि अब हमें इसको किस तरह से अटैच करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो पहले हम स्कर्ट पार्ट को इस तरह से राउंड में फैला लेंगे और बीच से इस तरह से टॉप पार्ट में ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम पूरे राउंड राउंड स्टिचिंग करके इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारी ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बनके रेडी हो गई हो। उम्मीद है आपको हमारी ये फ्रॉक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।